हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए फिर से 20 फीट बाय 60 फीट का नक्शा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह है हमारा 20 फीट बाय 60 फीट का नक्शा, यानी कि 20 फीट इसका फ्रंट है और 60 फीट इसकी लंबाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन एंट्री से। तो यहाँ से हमारी मेन एंट्री होती है जिसकी जहाँ पर आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। तो इसकी जो हमने डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है 7 फीट बाय 16 फीट 4 इंच, यानी कि 7 फीट ये चौड़ा है, 16 फीट 4 इंच ये लंबा है। यहीं से हमारा गेस्ट रूम दिया गया है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप अपने गेस्ट रूम में आएंगे। गेस्ट रूम की जो डायमेंशन दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 10 फीट 9 इंच बाय 12 फीट की, यानी कि ये दस फिट चौड़ा है, 12 फिट ये लंबा है। मतलब 10 फिट 9 इंच ये लंबा है, 12 फिट ये चौड़ा है। इसी के साथ हमने गेस्ट रूम के साथ टॉयलेट अटैच दिया है। टॉयलेट की जो डायमेंशन है दोस्तों, वो 4 फिट बाय 10 फिट 9 इंच की है। 4 फिट ये चौड़ी है, 10 फिट 9 इंच ये लंबी है। यहाँ से हमने इसकी वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो दी हैं। टॉयलेट की जो भी गैस होगी वो यहाँ से निकल जाएगी ईजिली। इसी तरह हमने गेस्ट रूम की यहाँ पर विंडो दी है। फिर हम एंट्री करते हैं दोस्तों अपनी डाइनिंग एरिया में। जैसे ही आप पार्किंग से एंट्री करेंगे तो आप अपने डाइनिंग एरिया में पहुँचेंगे। डाइनिंग एरिया का जो डायमेंशन दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 11 फिट 2 इंच बाय 13 फिट 4 इंच का, यानी कि दोस्तों यहाँ से इसकी यहाँ तक की लंबाई जो है, चौड़ाई जो है, वो है 11 फिट 2 इंच की और 13 फिट 4 इंच इसकी लंबाई है। आप देख सकते हैं ये आपका सोफ़ा है और यहाँ पर आपका टीवी लगा हुआ है। यहाँ पर आप अपने डाइनिंग भी रख सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमने इसका टॉयलेट दिया है। टॉयलेट की जो डायमेंशन दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 5 फिट बाय 6 फिट की। दोस्तों, ये 6 फिट चौड़ा है, 5 फिट लंबा है। इसी के पीछे हमने OTS दिया है। OTS की जो डायमेंशन है 1 फिट 8 इंच बाय 6 फिट की है, यानी कि 1 फिट 8 इंच ये चौड़ा है और 6 फिट ये लंबा है। यहाँ से हमने टॉयलेट की विंडो दे रखी है। टॉयलेट की जो भी गैस होगी वो यहाँ से पास आउट हो जाएगी। फिर हम चलते हैं दोस्तों किचन में। डाइनिंग से ही हमारा किचन जाता है। तो किचन की जो डायमेंशन दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 7 फिट बाय 7 फिट की, यानी कि 7 फिट चौड़ा है, 7 फिट लंबा है। यहाँ पर हमने इसकी विंडो दे रखी है। विंडो हमारी जो है वो 1 फिट 6 इंच की है। किचन की जो भी गैस होगी वो यहाँ से इजीली पास आउट हो जाएगी OTS के थ्रू। फिर चलिए चलते हैं दोस्तों हम अपने बेडरूम की तरफ। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे अपने बेडरूम की तरफ। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ से हमारा ये है जीना। यहाँ से हम स्टेयर्स हैं ये हमारी, यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जो डायमेंशन दे रखी है दोस्तों, ये है हमारी गैलरी। गैलरी की जो डायमेंशन है वो है 3 फिट 6 इंच चौड़ी, ये हमारी गैलरी है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे अपने पहले बेडरूम में। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला बेडरूम। पहले बेडरूम की जो डायमेंशन दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 10 फिट बाय 14 फिट 8 इंच की, यानी कि 10 फिट ये चौड़ा है, 14 फिट 8 इंच ये लंबा है। यह आपका बेड हो जाएगा, ये टीवी है, यह आपका वार्डरोब है। यहाँ पर हमने इसकी विंडो दे रखी है। इसकी जो भी गैस होगी वो यहाँ से पास आउट हो जाएगी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, हमारा मास्टर बेडरूम है दोस्तों। इसकी जो डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है 11 फिट 6 इंच बाय 14 फिट 8 इंच की, यानी कि 11 फिट 6 इंच ये चौड़ा है और 14 फिट 8 इंच ये लंबा है। काफ़ी बड़ा बेडरूम है दोस्तों। यहीं इसी के बराबर में हमने यहाँ पे आपका वॉश एरिया दिया है। आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या आप इसको स्टोर भी बना सकते हैं, स्टोर रूम भी बना सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के पीछे हमने ये दिया है OTS। वॉश एरिया का जो डायमेंशन है वो दे रखा है 3 फिट 6 इंच बाय 4 फिट 6 इंच का। तो ये 3 फिट चौड़ा है और 4 फिट 6 इंच ये लंबा है। इसी के पीछे हमने OTS दे रखा है। अगर आप इसको वॉश एरिया को यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रखते हैं तो इसकी जो भी गैस होगी वो यहाँ से वेंटिलेशन के थ्रू OTS में पहुँच जाएगी। OTS की जो डायमेंशन दे रखी है दोस्तों, वो दे रखे 3 फिट बाय 3 फिट 6 इंच की, यानी कि 3 फिट 6 इंच ये चौड़ा है और 3 फिट ये लंबा है। यहीं पर हमने इसकी विंडो दे रखी है। जो भी गैस होगी वो यहाँ से इजीली पास आउट हो जाएगी इस बेडरूम की। तो दोस्तों, ये था हमारा 20 फिट बाय 60 फिट का नक्शा। आशा करते हैं कि आपको ये नक्शा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे नक्शे पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।